चावल का आटा, हाफ कप ओट्स, बोलना नहीं बस होता हूँ, गुड़, टू स्पून कॉर्नफ्लावर, अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें 2 स्पून मिल्क पाउडर डालें, फ्लेक्स सीड जो हमने भिगोई थी वो ऐड करें, बेकिंग पाउडर 2 पिंच ऐड करें, सॉल्ट 1 पिंच ऐड करें, इन सबको अच्छे से मिक्स करें, तेल डालें और अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छा सा आटा बना लें, इस तरह से आटा गूंथ लें, अगर आटा गीला हो तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख लें, इस आटे को फ्रीजर में से निकाले, ये आटा ऐसा होगा, फिर एक पाटिए पे इसको बेल लीजिए, तकिए पे इसको बेले, बेलने के बाद थोड़ा मोटा रखे, फिर इसके ऊपर बादाम और पिस्ता डाले, उसके बाद शेप दे दिए, बादाम और पिस्ता डालने के बाद एक बार बेलन से बेल लीजिए ताकि सब अच्छे से हो जाए, फिर शेपर से शेप दीजिए, बड़ी नौ